हाँ बच्चों, आज अपन कर लगे हैं डिफरेंशिएशन। जब अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, इससे तो पहले अपन थोड़ा सा फंक्शन बारे जानिए। वो सबसे तो पहले मैं लिखा है वाई इक्वल टू बी। ऐसे मैं वाई इक्वल टू बी, बी की है कांस्टेंट है, मेरे को की है कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। ऐसे लिखा मैं वाई इक्वल टू एक्स, एक्स वेरिएबल है। ऐसे लिखा मैं वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि दो एक वेरिएबल वाई हो गया, हम अपने को एक एक्स हो गया। ऐसी तरह मैं वक्रे वक्रे लिखे, ये सारे की ये फंक्शन है। जो सपोज मैं इस तरह जो लिखा वाई इक्वल टू एफ एक्स, मैं क्या लिखा वाई इक्वल टू एफ एक्स। वाई इनको पढ़ रहे हैं, वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स, कि जरा वाई है एक्स का फंक्शन है। इसी तरह अपने को एक्स है, इन्हों की कहने आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आज जरा वाई है ये की है डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्स इंडिपेंडेंट इस तरह कि ऐसा मुल्लों जो मर्जी ले सकते हैं अपना, पर वाई का मुल्ला जरा वो एक्स से निर्भर करता है। जो जहाँ मुल एक्स का भरेंगे अपना, अकॉर्डिंगली वही वाई का मुल होगा। तो यह की है वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स, या एफ एक्स की फंक्शन है। ये अपना डिफरेंट फंक्शन लिखे मैं वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर। वैसे फंक्शन है अपने आप से एक मेन टॉपिक है, फंक्शन एंड रिलेशन, डिफरेंशिएशन मेन टॉपिक है। पर आप थोड़ा जहा ब्रीफ से चलेंगे, जिन्ना कि अपन फिजिक्स के जरूरत है आपसार चलेंगे। हूँ मेरे को वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर, वाई इक्वल टू वन कॉस एक्स एंड सो ऑन, इस तरह फंक्शन है। वाई इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। वाई इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। वाई इक्वल टू ए डी एक्स या वाई इक्वल टू ई डी एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये सारे की है फंक्शन। फंक्शन अपना सीधे शब्दों से समझ लीए कि दो वेरिएबल है जेडे वो आपस से रिलेटेड है, तो जेड़ा रिलेशन उन्होंने रिलेट कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने आप कहने फंक्शन। तो यह असि थोड़ा जहा आइडिया फंक्शन बारे कि आप फंक्शन होंगे वह फंक्शन का डेरीवेटिव लेने हैं। तो डिफरेंशिएशन की है, असल में डिफरेंशिएशन की होंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर। सब तो पहला आप जानने वास्ते मैं एक स्टेट लाइन ड्राइव की है, आ ग्राफ है जी स्टेट लाइन है, एंगल थीटा बनाई है विद एक्स एक्सिस, ये तो कोई पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है। पॉइंट ए एक्स वन वाई वन, पॉइंट बी की है एक्स टू वाई टू। जो पॉइंट ए तो आप पॉइंट बी से पहुंचे, एक्स वन तो बन गया एक्स टू, तो वाई वन तो बन गया वाई टू। जी अपना यद मतलब कि वाई टू माइनस वाई वन आप डेल्टा वाई, कि वाई कोऑर्डिनेट उपर कि चेंज हो गया। एक्स टू माइनस एक्स वन, कि इधर एक्स कि चेंज हो गया, उन्होंने लिया मैं डेल्टा एक्स। तो हूँ मैं सब तो पहले लिख दें, मतलब स्लोप लिख देना, स्लोप स्लोप कि बराबर अपने को डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। हम एक होर दस दें, बड़े बड़े बच्चे करते हैं स्लोप का टर्म यूज करते रहते हैं, पर उन्होंने ये नहीं पता लगता कि स्लोप हों की है। स्लोप की होंगे क्या, कोई भी लाइन है अपने को स्टेट लाइन है, वो एक्स एक्सिस जो एंगल बना है, एक्स एक्सिस जो एंगल बना है, जी आप टेंजेंट देखिए एंड दैट टेंजेंट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द ग्राफ, वो ग्राफ का चीज है स्लोप। तो अपने को स्लोप कि बराबर है फिर टेंजेंट थीटा, ये तो अभी आप गल करते स्लोप दे इस स्टेट लाइन से, तो स्लोप की अपने डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ऐसी तरह हूँ मैं इस पॉइंट पर आना है, मैं इकट्ठा कंबाइन करके तुम दसूंगा। मतलब जेकर ग्राफ अपने कोई फंक्शन है, यानी कि कोई भी फंक्शन हो किसी पर्टिकुलर फंक्शन का ग्राफ है, नहीं जनरल केस मनिया मैं, मतलब ग्राफ है इस तरह की कर्व है, वो पॉइंट ए इतने है, तो पॉइंट बी इतने है, आज जी स्टेट लाइन ए के बीच पास करती है, एक्स एक्स के एंगल बनाऊंगी थीटा। तो जो हूँ टेंजेंट देखी आप, तो वो जो टेंजेंट थीटा होगा विल बी स्लोप ऑफ दिस स्टेट लाइन, इस स्टेट लाइन का स्लोप होगा। हूँ आप अगे चलीए, जेकर आप इस तरह करिए कि आप पॉइंट ए या पॉइंट बी एक दूजे के क्लोज मूव करने शुरू कर देना, यानी कि जिमें जिमें आ डेल्टा एक्स आ डेल्टा वाई है आ डेल्टा एक्स है। मेरे कहने का अर्थ है कि हम डेल्टा एक्स में आप छोटा करना शुरू कर दिए, जिमें जिमें डेल्टा एक्स छोटा होंगे जाऊंगा, आप पॉइंट बी से पॉइंट ए एक दूजे के नेड़े आते जाऊंगे। जी आप इन्ना नेड़े आ जाइए
कि डेल्टा एक्स अप्रोच करे जीरो नूं इन्ना नेड़े ले ही आपां ए ते बी नूं कि डेल्टा एक्स अप्रोच करे जीरो नूं तां आपां कोले आ सिचुएशन बन जूगी कि आ पॉइंट ए ते बी है एस करव नूं इत्थे आके कोइंसाइड करनगे ते आ जिहड़ी लाइन है हुण की है एस नूं टच करके लंघ जूगी यानी कि इहनूं स्पर्श करके लंघ जूगी इहनूं आपां कहवांगे स्पर्श रेखा जां आपां इहनूं कहवांगे टेंजेंट टू द कर्व एस पॉइंट बी ते फिर जेकर आ एंगल थीटा अपने को हूँ आप एंगल थीटा जो हूँ आप टेंजेंट थीटा देखिए कि देखिए आप टेंजेंट थीटा जो डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो है दैन आ जो स्लोप थी अपने को दैन आप लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कि जेकर डेल्टा एक्स जीरो नूं अप्रोच कर दे तो उदों डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इनू कहने आप डेरीवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन आप लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स तो जो ये हम पता लग गया कि यह की है डेरीवेटिव वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो इस आपको होर भी पता लग गया यह की है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट पी हम कोई दो पॉइंट की गल नहीं एट पर्टिकुलर पॉइंट पी की यह अपने को रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स नाल दी नाल आपां ये भी कह सकते हैं कि यह की है आ जरा लाइन है जी ये टेंजेंट टू द कर्व है तो फिर डेरीवेटिव की है इतना मैं इतों शुरू तो हो कनैक्ट हो गया यह की है डेरीवेटिव की है अपने को डेरीवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड इट इज ऑलसो इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट पी तो इस स्लोप के बराबर भी है तो सब तो जरूरी गल ये थी कि किसी फंक्शन का डेरीवेटिव देखना इस वो आप इस तरह देखने ये बाई डेफिनेशन है बुद्ध एक ये डेफिनेशन मैं पहले कि मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं जा रहा सिंपल आप थोड़ा जहा आइडिया लेना ये बारे तो फिर आप डी वाई अपॉन डी एक्स इन आप होर की कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इस थोड़ा जहा डेरीवेटिव बारे आइडिया हूँ आप जो मैं डिफरेंट फंक्शन लिखे है इन्हों की आप डेरीवेटिव लिखने की कोशिश करते हैं कि जो आप डेरीवेटिव लिखने हैं तो किवें लिखेंगे डेरीवेटिव लिखने तो पहला मैं कुछ फॉर्मूले लिखता है सब तो पहला मैं मेन जनरली फॉर्मूला लिखता है जी अपने को सपोज वाई इक्वल टू एक्स रे टू पावर एन इस तरह का अपने को फंक्शन है वाई इक्वल टू एक्स की पावर एन तो इन डेरीवेटिव की होगा दैन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एन एक्स रे टू पावर एन माइनस वन यानी कि पावर मूहरे आ जाऊगी जो आप डेरीवेटिव लवेंगे उत्ते पावर एक घट जूगी हाँ एक होर गल है जे वाई इक्वल टू मान लो नाल कॉन्सटेंट मल्टीप्लाई हो गई इतने अपने को एक्स पावर एन इकला ही थी पर जे ए कॉन्सटेंट मल्टीप्लाई हो गए ए ए का मतलब इतने दो एक्स की पावर तीन जिमें आ लिखे तीन एक्स की पावर दो इतने ए का मतलब तीन है मुल तो एक्स की पावर दो इतने एन का वैल्यू की है दो है इतने टू एक्स स्केयर इतने ए की थान से दो है तो एक्स की पावर दो एन की थान से दो है इस तरह हो सकता है दैन डेरीवेटिव की होगा अपने को इतों डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जे कॉन्सटेंट मल्टीप्लाई हो गई तो ये उत्ते कोई फर्क नहीं पैदा गा तो यह इस तरह रहेगा तो आ पावर मूहरे आ जाएगी कि है जो ए एन एक्स की पावर एन माइनस वन जे अगर को इस तरह का फंक्शन हो वाई इक्वल यू प्लस या माइनस यानी कि जरा वाई है तो यू तो वी का जोड़ हो घटाओ हो जो यू तो वी एक्स के फंक्शन है जिमें कि आ यू हो वी हो आह डबल्यू हो इस तरह अलग अलग रह सकते हैं अपना तो यहाँ डेरीवेटिव कि बराबर होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स जो प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस इस तरह यानी कि जिमें प्लस तो प्लस तैयार हो माइनस तो माइनस आ कलिया कलिया टर्मा का डेरीवेटिव ले देंगे आप इस तरह के होंगे रूल अपने को हाँ एक मैं होर दस देना जेकर अपने को हो गए वाई इक्वल टू यू इन टू वी जेकर यू भी एक्स का फंक्शन है तो वी भी एक्स का फंक्शन है जिमें अपने को है दो एक्स प्लस एक ब्रैकेट एक्स पावर दो माइनस एक यू भी आह भी इस तरह का हो
देन अपने को देन डी वाई अपॉन डी आई इक्वल टू फर्स्ट है जेट डी वी अपॉन डी आई प्लस जी इंटू डी यू अपॉन डी आई ये रूल है। जे इस तरह का हो यू बटे वी जी इक्वल टू हो यू अपॉन डी दैन डेरीवेटिव की होगा अपने को डी वाई अपॉन डी आई इक्वल टू याद रखने वास्ते वटे वाले का पहला स्केयर करता इतने उमें लिखता दूजे आप रेट करना है डी यू अपॉन डी आई पर इतने माइनस आता है इतने यू तो डी वी अपॉन डी आई फॉर्मूला अपन डेरीवेटिव लेने वास्ते अगे मैं बाकी चलेंगे नाल दी नाल मैं करवा देना तुम्हें जिमें करा हूँ इस तो बाद आप कुछ नमेरिकल करिए जेकर अपने को सब तो पहला की अपने को वाई इक्वल टू बी है कि आप डायरेक्ट अपने को वाई इक्वल टू बी हूँ देखो आप गल किया कि डी वाई अपॉन डी आई की है कि क्या से डी वाई अपॉन डी आई ये की है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कि वाई एक्स के विद रिस्पेक्ट टू किमें चेंज हो रहा है कि रेट से कि दर में चेंज हो रहा वो की अपने को डेरीवेटिव पर जे वाई इक्वल टू बी है कॉन्सटेंट है वाई इक्वल टू बी है कॉन्सटेंट है मान लो मैं एक ग्राफ होर बना देना मान लो इधर एक्स इधर वाई तो जे वाई का मुल बी है एक्स का मुल बदलता तो बदली जाए पर वाई इक्वल टू की रहा है बी ही रहा है जेकर वाई इक्वल टू बी रहा है वाई बदलता ही नहीं गा चेंज ही नहीं होंगे तेन रेट ऑफ चेंज ऑफ की होगा जीरो तो यह वाई इक्वल टू बी है तो डी वाई अपॉन डी आई की होगा जीरो समझ आ गई। हाँ एक मैं तुम सोचोगे किमें आ गया इतों नहीं पता लगना तो आप होर भी कह सकते हैं अपने फॉर्मूले नाल भी कर सकते हैं हूँ देखो वाई इक्वल टू की है बी वाई इक्वल टू की है बी इतने एक्स तो है ही नहीं अपने को एक्स है नहीं गा जे मैं एक्स की पावर जीरो लाना क्योंकि फार्मूला किहड़ा सी मैं हमने देखा एक्स की पावर एन वास्ते ना वाई की पावर वाई इक्वल टू एक्स की एन तो डी वाई अपॉन डी एक्स की सी एन एक्स की पावर एन माइनस वन याद रखने वास्ते मैं लिख लिया इतने तो हम एक्स की पावर जीरो एक होंगे तो फर्क नहीं पैदा गा जे मैं आह फार्मूला लावा तो डी वाई अपॉन डी एक्स की है जो इतने और बी तो उन्हें पैर कॉन्सटेंट है गुणा जीरो इतों जो एक्स की पावर जीरो माइनस एक तो जो जीरो नाल गुणा हो गया की है जो जीरो इस तरह हम आप अगे करिए मैं इतने वाई इक्वल टू की अपने को एक्स ठीक है आप एक्स कला पावर एक लिख सकते हैं दैन अपने को डी वाई अपॉन डी एक्स की आजगा एक इतने आ गया एक्स की पावर एक माइनस एक एस की पावर जीरो किसी चीज़ की पावर जीरो हो तो एक ही होंगे तो बराबर एक आ गया डेरीवेटिव हूँ आप होर डेरीवेटिव पता करिए जो अपने को वाई इक्वल टू टू एक्स स्केयर है कि है वाई इक्वल टू टू एक्स स्केयर और दो है जरा यदि थान पर मैं पहला दसा से कॉन्सटेंट रहूगा इन्हें चेंज करना नहीं आप उवें पैर होगा पर पावर वाला फॉर्मूला आप इतने ला देंगे दैन अपने को है डी वाई अपॉन डी आई की है जो अपने को देखो दो का कॉन्सटेंट है इन्हों मैं खेलना उमें प्यार होगा आ पावर इतने आ गई तो उत्ते ऐसी पावर दो माइनस एक दसता अपना बराबर की आ गया दो गुणा दो चार ऐसी पावर दो माइनस एक तो बराबर चार एस ये की आ गया एस का डेरीवेटिव इस तरह आप डेरीवेटिव पता कर सकते हैं जो अपने को वाई इक्वल टू की है दो एक्स न तीन थ्री एक्स स्केयर प्लस टू एक्स से प्लस फोर दैन डेरीवेटिव की आजगा डी वाई अपॉन डी आई हूँ देखो यदा तीन उवें पैर होगा दो इतने आजगा एक्स की पावर दो मैं किसी मैं सीधा लिख देना प्लस दो उत्थे एक्स का डेरीवेटिव आप हमने पता किया एक आंदा ये ड्राइट भी लिख सकते जरूरी नहीं कि आप हर बारी निकी निकी गल कर रहे हैं कुछ आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं जो आप अगे पढ़ा लगातार डायरेक्ट डेरीवेटिव लिखते जावे तो प्लस फोर
मैं पहला क्या सी कांस्टेंट का डेरिवेटिव की होता है जीरो, तो एक डेरिवेटिव की आ जाओ अपने को सिक्स एक्स प्लस टू, तो एक्स का डेरिवेटिव अपने को गया। इसे तरह ही आप दूसरे डेरिवेटिव पता कर रहे हैं, ये मैं फार्मूला इतनी सैर से लिखना। चलो फिर अपन को वाई इक्वल टू एच डी एन, क्योंकि ये लोड पैनी है तो डी वाई अपॉन डी एक्स की है एन एच डी एन माइनस वन। हूँ अपने को वाई की है वाई इक्वल टू वन अपॉन एक्स, तो इनू मैं इस तरह लिख दें वाई इक्वल टू इतने सैर से लिख दी है वाई इक्वल टू वन अपॉन एक्स, तो और वाई इक्वल टू एक्स की पावर माइनस एक, उपर जाके पावर माइनस एक होगी। दैन अपने को डेरीवेटिव की है जुआ दैन डेरीवेटिव की है अपने को, मैं रेड मार्क कर देना दैन डी वाई पाउंड डी आई सर एक की है जो अपने को माइनस एक इतने आ गया एच की पावर माइनस एक, तो फार्मूले के अनुसार माइनस एक होर करना तो की आ गया माइनस एक एच की पावर माइनस दो या माइनस दो पावर बटे से जाके प्लस भी होगी, तो डेरिवेटिव की है एच की पावर जै वाई को एक बटे एक्स या एक्स वाई को एच की पावर माइनस एक का डेरिवेटिव की आ गया अपने को आ गया। इसे तरह ही आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते ये अपने आप करके देख लो। हूँ इसे तरह ही आप डेरिवेटिव किमें फाइंड आउट करा, ये दूसरा मेथड लवेंगे, इन मैं मेरा चले समझ आ गया हम इन सॉल्व करिए। जे अपने को है सपोज वाई इक्वल टू है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो यह अपने को यू बटे वी वाली फार्मूला है जो मैं फार्मूला दसा सी तरह, तो यदा डेरीवेटिव कि बराबर आ जूगा एक स्केयर इतने इन एज इट लिखना है इंटू यदा डेरीवेटिव हूँ इतने बारी बारी सारा लिखने की लड़ है नहीं, एक्स का डेरीवेटिव वन से वन का डेरीवेटिव जीरो हो जाएगा एक जो वन माइनस हूँ आप एस नज इट लिखना तो यह डेरीवेटिव इधर एस का डेरीवेटिव यदा डेरीवेटिव की होगा ब्रैक से लिख लीए एक्स की पावर दो, एक्स की पावर दो का डेरीवेटिव आप पहले भी करके हटे हैं फर्क इन्ना कि दो गुणा से ये डेरीवेटिव आपको पता ही है टू एक्स आ जूगा क्योंकि दो का डेरीवेटिव जीरो हो जूगा, तो डी वाई पाउंड डी एक्स कि बराबर आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस दो माइनस इन आप मल्टीप्लाई करिए टू एक्स स्क्वायर से प्लस टू एक्स आ जूगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू होल स्क्वायर, तो ए इक्वल टू कि बराबर हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस टू माइनस टू एक्स स्केयर तो माइनस टू एक्स तो डिवाइड बाय एक्स स्केयर प्लस टू होल स्केयर, एक कि इक्वल आ गया हूँ इतने माइनस टू एक्स स्केयर प्लस से इतना गया माइनस एक्स स्केयर माइनस टू एक्स प्लस दो तो डिवाइड बाय एक्स स्केयर प्लस टू, तो यह आ गया अपने को एस का डेरीवेटिव। इसे तरह ही यू एन टू बी का डेरीवेटिव आप पता कर सकते हैं, ये फिर मैं थोड़ा जहा ला के दस देना तुम्हें क्या लगना फार्मूला कुछ वाई इक्वल टू की अपने को टू एक्स प्लस वन तो एक्स स्केयर माइनस वन, तो यह कि फार्म है वाई इक्वल टू यू एन टू बी आ यू तो आ बी, तो डेरीवेटिव कि बराबर आ गया फर्स्ट एज इट टू एक्स प्लस वन इंटू डेरीवेटिव ऑफ दिस, यदा डेरीवेटिव इतने की आ गया अपने को दो एक्स आ गया क्योंकि माइनस वन यदा डेरीवेटिव जीरो हो जूगा, तो अपने को इतने प्लस आना तो की आ गया अपने को एज इट एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो यदा डेरीवेटिव एक्स का डेरीवेटिव वन टू आ जू तो वन का जीरो जस्ट टू, इन मल्टीप्लाई किया फोर एक्स स्केयर प्लस टू एक्स, तो इनू आप मल्टीप्लाई करके लिखिए टू एक्स स्केयर तो माइनस टू, सिंपलीफाई किया फोर एक्स स्केयर यह आ गया अपने को सिक्स एक्स स्केयर
प्लस टू है इस, माइनस टू एक ही आ गया अपने को। डेरिवेटिव ऑफ वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस वन या एक्स स्क्वायर माइनस वन, यह डेरिवेटिव आ गया। हूँ थोड़ा जहा डिटेल अगर करिए अपना दूसरे जो फंक्शन मैं लिखे है, देखो जो लोअर सिमम फंक्शन हो अपने को इतने हम यह फार्मूला नहीं लगना गया, जेकर वाई इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स इन्हों के फॉर्मूले ड्राइव होंगे है, दैन इतने डी वाई अपॉन डी एक्स की आज इक्वल टू वन अपॉन एक्स। हाँ एक गल ध्यान रखना है, यह लॉगरिथम फंक्शन है जो वास्ते नवा है, इन मैं वक्रे तौर पर समझाऊंगा कि लॉगरिथम की होंगे जो कि फाइंड आउट करना होंगे कि इन्हों के रिलेशन होंगे है। फिलहाल मैं यहाँ डायरेक्ट वर्तों करके दस रहा कि यह डेरिवेटिव ये बराबर होगा। अगे अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मैं सिर्फ दो ही लिखे साइन से कॉस वाले, बाकियों के भी डिफरेंट फार्मूले होंगे है वो वक्रे तौर पर दसे जा सकते हैं, पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ यही लिखे है वाई इक्वल टू जे साइन एक्स तो ए डी वाई पॉन डी एक्स इक्वल टू साइन का होंगे कॉस है। अपने को वाई इक्वल टू की है इतने कॉस एक्स इस वाई इक्वल टू, मैं इस नहीं चल लैके चलता गया यदि थान पर मैं अपने पल थोड़ा जहा चेंज करना, जेकर मान लो मेरे को इस तरह का रेंज कॉस ऑफ टू एक्स स्केयर प्लस वन, जेकर मेरे को कला एक्स है नहीं इतने मेरे को है टू एक्स स्केयर एंगल की थान पर की है जो कॉस एंग एंगल कि टू एक्स स्केयर प्लस वन, इस तरह के आप कि डेरीवेटिव लवेंगे तो ये ध्यान देना पहला आप कॉस का डेरीवेटिव लवेंगे गुणा एंगल का डेरीवेटिव किमें यदा डी वाई पॉन डी एक्स की आई अपने को पहला कॉस का डेरीवेटिव की होंगे माइनस साइन, यह मैं थोड़ा साइन का कॉस होंगे कॉस का माइनस साइन का फॉर्मूला लिखा पहला मैं इसी तरह ड्राइव एक वर्क स्टैप आ गया तो यह आ गया टू एक्स स्केयर प्लस वन कॉस का लिख यह आ गया इन टू डेरीवेटिव ऑफ इसका आ एंगल का टू एक्स स्केयर प्लस वन। तो अपने को आ गया हूँ इतने दो एक्स स्केयर आप हमने किया कि होगा फोर एक्स वन का जीरो तो यह डेरीवेटिव की आ गया अपने को फोर जलेखा ना जो मैं इस तरह होर कर देना स्टैप टू एक्स स्केयर प्लस वन यह डेरीवेटिव की आ गया अपने को फोर एक्स तो यह माइनस फोर एक्स साइन ऑफ टू एक्स स्केयर प्लस वन एक ही आ गया डेरीवेटिव आ गया। कुछ होर डेरीवेटिव है जोड़े जिमें साइन का कॉस होंगे कॉस का डेरीवेटिव माइनस साइन होंगे टेरियंट का सीकेंड स्केयर होंगे कोटेरियंट का माइनस सीकेंड स्केयर एक्स होंगे ये फॉर्मूले बखरे तौर पर होंगे इस न्यूटन फॉर्मूले बुक के लिखे होंगे ड्राइट उत्तर देखे जा सकते हैं मैं सारे नहीं लिख रहा इतने बहुत ज्यादा है तो उस तो बाद जे अपने को इस तरह का हो वाई इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गई तो फिर यदा डेरीवेटिव की होंगे दैन डी वाई अपॉन डी एक्स होंगे अपने को ए डी एक्स ओवी लिख देना इतने लॉग बेस ई ए हूँ अपने को गया वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स ए की थान पर ई आ गया तो दैन डेरीवेटिव की होगा डेरीवेटिव की होगा अपने दैन डी वाई अपॉन डी एक्स होगा अपने को ई की पावर एक्स इतने लॉग ई ए की थान पर भी ई है यह ध्यान देना मैं दस से लॉग थोड़ा तेन वक्रे तौर पर करवाऊंगा लॉग ई तो बेस भी ई हो क्वानिटी बन जाती है वन ए डी एक्स इंटू ए वन के बराबर होंगे ए डी एक्स तो यह मतलब ई डी एक्स का डेरीवेटिव भी ई की पावर एक्स होंगे है। एक मैं होर दसना से लास्ट लिखे ने एग्जाम्पल मैं अपने पल्लों बनाया है कि मान लो मेरे को वाई इक्वल टू ए पावर टू एक्स क्यूब प्लस वन ए है मैं यह डेरीवेटिव पता करना है तो डी वाई फॉर्म डी आई तो मैं की करूँगा पहला मैं ए क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एक ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है पहला मैं ए की पावर समथिंग यदा डेरीवेटिव लूँगा वो की आएगी अपने को ए टू एक्स क्यूब प्लस वन इंटू लॉग ऑफ ई ई इतने मैं ये नहीं देखना कि पावर ए पावर उत्ते एक्स है या एक्स स्केयर है की पर जो कुछ होर है तो इतने मैं की करना
डेरिवेटिव ऑफ 2x³ + 1। तो फिर सोच रहे होंगे x क्यों डेरिवेटिव ले, डेरिवेटिव इतने भी ले रहे, डेरिवेटिव इतने भी लेना है, इतने भी लेना है, पर इतने पावर x है, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 नाल गुणा करते कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और डेरिवेटिव फिर ता नहीं अपन लिखेगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 ही होता है। तो जी आप इतने a की पावर 2x³ + 1 से log बेस ए ए एदा डेरिवेटिव लिया, हुण एदा डेरिवेटिव x की पावर 3 मूहरे आ जूगी, छे इत्थे पावर घट जूगी 1 2 आ गया, एक दा डेरिवेटिव 0 आ जूगा, ते अपने कोल की आ गया फिर इह दा डेरिवेटिव आ गया इत्थे नाल 6 x की पावर 2 * a की पावर 2 x की 3 + 1 ते log ऑफ a a लिखदा है, ए की आ जू डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो इस तरह आप डेरिवेटिव बारे कर रहे थे, तो मैंने लगता है काफ़ी समझ आया होना है। इस तरह की तुम होर भी एग्जाम्पल करके देख सकते हो, ये समझ आ जानी है तुम्हें। तो अपन इन्ना से जी अपन आज तो अपन फिजिक्स के कितने लड़ नहीं पैंती होर जाने की, तो खास गल मेडिकल वाले वास्ते बहुत जरूरी है क्योंकि मेडिकल वाले वास्ते मैथ नहीं होंगे उन्होंने को, तो उन्होंने इन्ना क जरूर करना पैना है। नॉन मेडिकल वाले तो मैथ भी कर लेंगे। तो थैंक यू।